बंसल कॉलेज में युवा संवाद का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद किया, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपने जीवन के सफलता के मंत्र भी साझा किए। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे पता नहीं था मैं जिस जगह पैदा हुआ हूँ उस जगह पार्षद नहीं बन सकता, और हम सोचते भी नहीं थे कभी विधायक सांसद बनूंगा, लेकिन आज मैं मंत्री हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीतिक यात्रा विचार की यात्रा है। साथ ही फिल्म पठान के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी बातों में समय खराब नहीं होना चाहिए। मैं चौथी जगह से सांसद हूं, 8 लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, एक नहीं लड़ा नहीं तो 9 हो जाते। लेकिन मैं जहां भी बाहर, चूंकि बाहर ही लड़ना पड़ता है, घर में तो जिला चुनाव लड़ने मिला नहीं, मैं एक शर्त रखता हूं कि मैं बाकी समय आपके साथ हूं, त्योहार में अपने माता पिता के साथ मनाऊंगा। और कभी भी आपने मुझे किसी त्यौहार में कहीं और नहीं देखा होगा, मुझे अपने गांव में देखा होगा, अगर मेरी कोई देखता होगा तो। मुझे लगता है कि ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन संबंधों में जो आपके आदरणीय हैं वो आदरणीय रहेंगे, ये ध्यान में रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो एक वातावरण बनाने की कोशिश है, एक पक्ष देखते हैं हम। लेकिन आज भी आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, आप अपने घर में बैठा कर उनको खिला सकते हैं? मैं दावे से कहता हूँ, मुझे सार्वजनिक जीवन में 40 साल हो गए, अभी भी लोग अपने मन से जाति के उस जहर को निकाल नहीं पाए हैं। मैंने कहा था मेरी संतानें भी कभी इसका लाभ नहीं लेंगे। मैं मानता हूँ अगर आप योग्य हैं तो इस आरक्षण की सीढ़ी का उपयोग करने के लिए क्यों तैयार हैं? ये बैसाखी है, सीढ़ी भी नहीं है। मैं मानता हूं कहीं आपको लगता होगा किसी कारण मेरा नुकसान हो गया, लेकिन एक छोटा नुकसान है वो बड़ा नुकसान है, ऐसा मैं मानता हूं। जो अध्ययन की बात आपने कही है, आज ही मुझे गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे, मैं देखता हूं जैसे हमारे गृह मंत्री हैं, वो सप्ताह में एक दिन उनके पढ़ने का दिन तय है, बाकी कोई काम नहीं करते। प्रधानमंत्री 2 दिन ऐसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो मैं एक बात कहता हूं जीवन में, बाकी लोगों से भी कहता हूं कि जो अव्यवस्थित है उसके पास समय की कमी है, लेकिन जो व्यवस्थित है उसके पास समय की कोई कमी नहीं। वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी चीजों को कर सकता है। तो समय की आदत आपको संकल्प के तौर पर स्वीकार करनी चाहिए। अगर आप टाइम पर चलेंगे तो सारे काम आपका, मिनट टू मिनट आपका कार्यक्रम ठीक होगा, ये बात आप मानकर चलिए।